सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अभी अभी एक कमाल की न्यूज़ आई है कि एस ने पकड़ लिया है ड्रैगन नाइट। ये बात बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म है। ये बात मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो यार, एस ने ड्रैगन नाइट को कैसे पकड़ा, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और कुछ फन फैक्ट भी जानेंगे कि यार, इस ड्रैगन नाइट की पर्सनैलिटी कैसी है, एस के कौन से पोकेमोन के साथ मिलती है, और क्या ये एस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बन पाएगा। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिल पाए सबसे पहले। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ये एस का कौन सा पोकेमोन है। तो ये एस का पहला पोकेमोन है सोडेंसिल्ड में। तो इस बात की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको एग्जांपल के तौर पे देखना है तो आप हेराक्रॉस को ले सकते हो। हेराक्रॉस एस का जोटो रीजन का पहला पोकेमोन था, और वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये बात हम लोग जानते ही हैं। और ये इसको मिला था ड्रैगन एयर के फॉर्म में, यानी कि उस टाइम ये ड्रैगन नाइट नहीं था। और जब ये ड्रैगन एयर था उस टाइम इसको यार फ्लाई मूव लर्न करना था, तो एस ने इसकी मदद की पिकाचू के साथ मिलकर। तो बाद में होता ये है कि यार, टीम रॉकेट जो है एक ड्रैगन नाइट को पकड़ने की कोशिश करती है अपने वेल्ड लॉर्ड के साथ। पता नहीं यार, ये वेल्ड लॉर्ड उनके पास कैसे आया। तो उस टाइम वेल लॉर्ड की मदद से टीम रॉकेट एस को हवा में उड़ा देती है, पता नहीं कैसे। पर उस टाइम ड्रैगन एयर यार एस को बचाने के लिए इवोल्व हो जाता है ड्रैगन नाइट में। और बाद में होना क्या था, टीम रॉकेट का हो गया खात्मा, यानी कि टीम रॉकेट हार गई। तो बाद में यार ड्रैगन नाइट और एस काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में ड्रैगन नाइट एस की टीम में आ जाता है। और अब बात करते हैं यार, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो यार, इसकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो एस के मक की तरह है। क्योंकि यार, मक को तो आप लोग जानते होंगे, वो यार किसी को भी देखता है के गले लग जाता है। तो इसी प्रकार यार, ड्रैगन नाइट भी ऐसे ही है, वो एस के गले लग जाता है, प्रोफेसर साकुराकी के गले लग जाता है। तो ये सिंपल सी बात है यार, इस पोकेमोन का काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो अब बात करते हैं मूव की, इसको कौन कौन से मूव आते हैं। तो अभी तक तो इसको एक ही मूव आता है, जो कि है ड्रैगन डांस। हाँ, मानता हूँ इसको और भी ज़्यादा मूव आते होंगे, पर एपिसोड की माने तो अभी तक इसने अपना एक ही मूव बताया है। मुझे तो ये लगता है भाई, ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन जरूर बनेगा। क्योंकि यार, ये पोकेमोन है ही कुछ ऐसा, ये एक शैडो लेजेंडरी पोकेमोन है केंटो रीजन का। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं सोच ही रहा था कि यार, एस ड्रैगन नाइट क्यों नहीं पकड़ता, इस पर एक वीडियो बनाई जाती है। पर मेरे साथ हुआ ऐसा कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ एस ने ड्रैगन नाइट कैसे पकड़ा। और आपको मैं एक और फन फैक्ट बताता हूँ कि आपको तो याद ही होगा कि मैं सोडेंसिल के फैन मेड एपिसोड बनाता था, जो कि उसकी स्टोरी जो होती थी वो मैं खुद लिखता था। तो उसमें मैंने एक एपिसोड बनाया था, एपिसोड 11। उसमें मैंने आपको बताया था कि एस ने ड्रैगन नाइट पकड़ लिया है। तो अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि एस ने ड्रैगन नाइट पकड़ लिया है। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि मैंने प्रिडिक्ट किया था कि एस ड्रैगन नाइट पकड़ेगा, और एस ने ड्रैगन नाइट पकड़ लिया। सो गाइस, अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की, जो कि है पिजियोट रिटर्न। पिजियोट का रिटर्न एपिसोड 9 में होना था, क्योंकि उस एपिसोड का नेम था प्रोमिस डेट वी मेड। पर एपिसोड 9 आ गया, उसमें हमें पिजियोट का रिटर्न तो देखने को नहीं मिला, पर उसमें एस ने ड्रैगन नाइट ज़रूर पकड़ लिया। पर पिजियोट का क्या हुआ, वो 4 सेकंड के लिए पिजियोट हमें क्यों दिखा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमको पिजियोट नहीं दिखेगा। तो यार, ऐसा नहीं है, पिजियोट के लिए पोकेमोन कंपनी वाले कुछ बड़ा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। पोकेमोन सन एंड मून में भी पिजियोट 4 सेकंड के लिए रिटर्न आया था, और अभी लेटेस्ट पॉकेट मॉन्स्टर के एपिसोड में भी 4 सेकंड के लिए रिटर्न आया था। तो ये कुछ कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब साफ साफ तो ये है कि पिजियोट रिटर्न ज़रूर आएगा, शायद तक पोकेमोन के लास्ट एपिसोड में रिटर्न आ जाए। मेरे कहने का मतलब है एस का लास्ट एपिसोड, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाला सीजन एस का लास्ट सीजन है, साइड तक लास्ट जो ग्लार चैम्पियनशिप होगी उसमें पिजियोट रिटर्न आ सकता है। कुल मिलाकर यार, बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं पोकेमोन कंपनी पिजियोट के लिए।
तो आपको क्या लगता है, पोकेमोन कंपनी वाले पिजियोट को रिटर्न लाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पिछले पोके क्विज के विनर आपके स्क्रीन पर है और आज का पोके क्विज है कि ये कौन सा पोकेमोन है। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।